हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग फ्रॉम कैसगम। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं पटना के केला मंडी में और जहां पे हम खड़े हैं यहां पे देख सकते हैं बहुत सारा गागर नींबू जो है यहां पे स्टॉक में जो है पड़ा है। सब बोरा में जो है गागर नींबू है और छोटा साइज से लेके बड़ा साइज तक आपको गागर नींबू जो है मिल जाने वाला है। देख सकते हैं इस बार रेट जानेंगे गागर नींबू का क्या है और साइज़ के अकॉर्डिंग क्या है। हम जैसे अगर डिटेल अगर शॉप के लिए लेके जा रहे हैं तो क्या रेट है, रिटेल के लिए अगर आ रहे हैं तो क्या रेट है, हम जानेंगे शॉप ओनर से मिल के। तो बने रहिए चैनल पे, चलते हैं शॉप ओनर से मिलते हैं। शॉप ओनर से मिलते हैं और जानते हैं उनका नाम और क्या कुछ मतलब इसका डिटेल है, हम जानते हैं। उन्हीं से जाने ना, इधर बस उन्हीं से कीजिए ना, उन्हीं से और सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है सर जी। शुभ नाम आपने अपना बता दीजिएगा। हमारा शुभ नाम मोतीलाल मेहता हुआ। अच्छा, स्पेशल आप गागर नींबू का मतलब होलसेल कर रहे हैं नहीं? जी हाँ। तो गागर नींबू जो मंगवाए हैं आप लोग कहाँ से मंगवाए हैं? ये सब वैशाली भी और हाजीपुर। अच्छा। मतलब कि वैशाली जिला वैशाली से सब आता है। अच्छा। इस बार जो गागर नींबू का रेट है पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर बात कर लिया जाए तो क्या रेट है? रेट कोई खास नहीं है, जो पिछले साल बिका है वही रेट इस साल भी चल रहा है। अच्छा, तो क्या मतलब इस बार क्या रेट है मतलब बताइएगा? 15-16 रुपए पीस पड़ रहा है। 15-16 रुपए पर पीस है नहीं, होलसेल के लिए। रिटेल वगैरह तो यहाँ पे होता है? रिटेल के तो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, वो लोग कैसे बेचेगा जो? जैसे छोटा छोटा जो शॉप किए हैं गागर नींबू के लिए, उन लोग का क्या इस बार रिस्पॉन्स है और क्या आने मतलब आगे उम्मीद रहेगा रिस्पॉन्स का? मतलब जैसे कस्टमर लोग जो शॉप किए हैं उन लोग का क्या अभी तक रिस्पांस रहा है? अभी तक जो आप अभी तक ठीक है, पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार ठीक है नहीं? रेट ज्यादा आमदनी कम है पिछले साल के बनस्पत, क्योंकि जो पर्व है एक महीना पीछे चलाया लॉन लगने के कारण, इसमें नुकसान भी बहुत हुआ है। पेड़े के पास चू गया ये धूपा गर्मी के कारण, इसलिए आमदनी कम है और पिछले साल का हो सकता है कि बाद में इसका रेट भी बढ़ जाए। अच्छा, एक बोरा में कितना पीस रहता होगा? एक बोरा में 55, 50, 40 भी रहता है। सभी साइज बड़ा है वो कश्ती 35-40 को रहेगा। अच्छा। और जो मीडियम साइज है वो 50-55-60 पीस भी। अच्छा, गागर नींबू में भी प्रकार का होता होगा? कितने प्रकार का गागर? नहीं, गागर नींबू सब एक ही प्रकार का होता है। अगर जैसे कोई छोटा वगैरह शॉप अगर स्टार्ट करना वो हो तो साइज के ऊपर ना है, छोटा या बड़ा तो साइज के ऊपर है, वो तो सब पैकिंग आता है। अच्छा, जैसे बहुत सारे जो होते हैं शॉप नए नए स्टार्ट करते हैं उनके लिए क्या मिनिमम क्वांटिटी कितना मतलब उनको लेना पड़ेगा जो स्टार्ट करेंगे अभी? जैसे एक बोरा दो बोरा जो भी लेंगे वही रेट लगेगा, जो पूरे गाड़ी लेते हैं उनका भी वही रेट लगेगा। सेम रेट मतलब एक बोरा दो बोरा लेके जाके बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, देख सकते हैं अगर आपको बिजनेस वगैरह छोटा सा बड़ा करना है तो आपको एक बोरा जो है दोबारा लेके जा सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। चलते हैं और भी कुछ व्यक्ति से मिलते हैं, सबनर से जानते हैं कैसे क्या। दोस्तों, अभी हम जैसे कि बनाए हैं केला जो है, केला का रेट बताए हैं, उसके बाद संतरा का रेट बताए हैं, सेब का रेट बताए हैं, अनार का रेट बताए हैं, अनारस का रेट बताए हैं, उसके बाद नारियल का रेट बताए हैं, सारा चीज़ का लगभग हम डिटेल बताए हैं और इसमें सारा योगदान जाता है ये भैया का। सबसे पहले भैया अपना नाम बता दीजिएगा। अजय कुमार जायसवाल। अच्छा, ये बताइएगा ये केला मंडी का जो मतलब क्या कुछ मतलब अपडेट होना चाहिए, मतलब क्या कुछ आप मतलब सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ। अच्छा। कि यहाँ पर 10,000 फोर्स भेजने की कोशिश किया जाए, क्योंकि ये मंडी में इतने जाम रहता है, जो भी बाहर के व्यापारी माल ले लेता है उसको निकल नहीं पाता है। अच्छा, मतलब माल रुक जाता है नहीं जाम के होने के वजह से। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ यहाँ 10,000 फोर्स के उपाय किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इतने न जाम लगता है कि कोई भी आदमी यहाँ मंडी से बाहर नहीं निकल सकता है। जाम का समस्या था कि वो अपना निकल सके, प्रशासन के अगर रहेंगे तो देख रेख करेंगे तो जाम वगैरह नहीं लगेगा नहीं। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ 10,000 फोर्स भेजने की कोशिश किया जाए। बिल्कुल, आपका क्या नाम बताए आप? अजय कुमार जायसवाल। अच्छा, केला मंडी में आप देख रेख करते हैं? हाँ, केला मंडी में देख रेख करते हैं, यही पर रहे करते हैं। अच्छा, यही मंडी में रहते हैं। और क्या मतलब आपका मांग है, डिमांड क्या है केला मंडी? डिमांड यही है कि जाम नहीं रहे छठ में, जाम नहीं रहे, बाकी सारा समस्या का समाधान मतलब ये मंडी के लोग जो है शॉप ओनर लोग है अपना संभाल लेंगे नहीं? और कुछ बोलना चाहिए बताइए। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि
बाजार समिति में जाम नहीं रहे, प्रशासन के ध्यान रहे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं डिमांड करना चाहता। अच्छा, इस बार क्या लगता है, पिछले साल जो भीड़ भाड़ था इस मंडी में, इस बार ज्यादा भीड़ रहेगा या कम भीड़ रहेगा? इस बार भी भीड़ रहेगा, हर साल भी भीड़ रहता है। अच्छा, रेट के बारे में बहुत सारे शॉपनर बता रहे थे कि पिछले साल से इस बार जो रेट है बहुत ज्यादा है, तो क्या आपको क्या लगता है कि रेट ज्यादा या कम है? रेट खाली गागर नींबू का रेट ज़्यादा है, संतरा का रेट कम है। अच्छा, अभी सेब के भी रेट कम है। अच्छा, स्पेशल इस छठ में, छठ पूजा के शुभ अवसर पे स्पेशल पटना के केला मंडी में क्या कुछ स्पेशल उतरता है यहाँ पे मंडी में फ्रूट वगैरह? केला मंडी में कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्रा से केला आता है। जो लोकल केला इस बार है अच्छा, बहुत कम है। अच्छा, अगर आप नारियल वगैरह की बात कर लिया जाए, अनारस वगैरह की बात कर लिया, तो ये सब हमेशा मिलता है या इस छठ के शुभ अवसर पर ही मिलता है? सारा चीज हमेशा ही मिलता है, लेकिन छठ के उपलक्ष्य में बहुत ज्यादा माल आ गया है। मतलब छठ के शुभ अवसर पर हमेशा ज्यादा, मतलब हर साल के बाद इस साल भी जो है मतलब बहुत ज्यादा माल आ गया है। और मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि यहां 10,000 बाजार समिति में फोर्स भेजने की कोशिश किया जाए। बिल्कुल, और भी कुछ मांग है तो बताइए। यही मांग है कि मंडी में जाम बहुत कम रहे, फोर्स भेज दिया जाए। अच्छा, सो दोस्तों बात करें जैसा कि जाम के समस्या के बारे में जैसा बता रहे हैं भैया, तो यहाँ पे हम देखें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो बात सही है कि इनका जो मांग है, प्रशासन का जो मांग है, यहाँ पे प्रशासन बगल में थाना है, लेकिन यहाँ पे जो है थाना वगैरह कोई देख रेख वगैरह नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम भी मांग कर रहे हैं कि आप लोग जो है यहाँ पे प्रशासन को कुछ ना कुछ यहाँ पे भेजिए, ताकि यहाँ पे जो जाम है ये समस्या जो है दूर हो, और जो भी यहाँ पे शॉप ओनर जो भी शॉप खोले उनको कोई परेशानी ना हो, जो डिटेल के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई परेशानी ना हो, और जो भी मतलब बेच रहे हैं सभी अपना अपना परेशानी सबका दूर हो। सो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा भैया का, बहुत बार बार इसलिए बोल रहे कि भैया का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि हर वीडियो में पूरा साथ दिए हैं। सो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।